ऑल राइट, सो स्वागत है तुम्हारे न्यू व्लॉग में। और इस व्लॉग में हम जा रहे हैं अजमेर दरगाह शरीफ। अभी मैंने एक व्लॉग एंड किया खाटू श्याम जी का, अब दूसरा स्टार्ट भी कर दिया। अजमेर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये देखो कौन ड्राइव कर रहा है, टकलू। इसको आ गया गाड़ी चलाने, कुत्ता डर के मारे भाई। हम तीनों में वैसे शर्त लगी थी कौन पहले चलाएगा, बट चला लिया। अच्छी बात है, कैंपिंग होनी चाहिए जगह पे। तो अभी चलते हैं, रात का टाइम है, बहुत सुनसान वाली रोड है, एकदम भूतिया रास्ता लग रहा है। ये सामने से गाड़ी का आना भी जरूरी था क्या? बाइक। सो वही रात के 11:30 बज रहे हैं और अभी हम आ गए हैं एक ढाबे पे, न्यू महादेव हाईवे होटल। इस पे आ गए हम, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। हरी सब्जी मुझे कहीं खाने को नहीं मिली, फिलहाल सबको मन है हरी सब्जी खाने का क्योंकि वो बहुत टेस्टी लगती है। उसके साथ में बहुत सारी रोटी भी खा लेती हूँ, 5-6 तो खा ही लेती हूँ। और अभी मैंने मंगाया है कढ़ी पकौड़ा, चावल और रोटी, देखते कैसा टेस्ट होगा, वेट करते बाकी अभी थोड़ी देर तक के लिए। सो वही 12 बजने में सिर्फ 4 मिनट कम है और इतनी देर में सिर्फ हमारे पास अभी कढ़ी आई है, कढ़ी पकौड़ा आया है। जैसी ऑन करने वाली थी तो भिंडी भी आ गई, बता रही हो ठंड पाओ थोड़ी सी। देखो मेरी भिंडी आ गई और इसके पकोड़े आ गए। मैं तेरी वीडियो में नहीं आऊंगी, मेरे को मत, कोई बात नहीं, क्लिप तो यही डलने वाली है। मेरे लिए सारा खाना आ गया है, बस चावल की कमी है, वो भी धीरे धीरे आ रहे हैं। सब चीज आ गया, अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए। सो वही खाना वाना हमने फिनिश कर लिया है अपना। नेहा दीदी हमसे गुस्सा है, आज के बाद इनको हम नेहा दीदी बोलेंगे क्योंकि मैंने इसको मोटी बोल दिया तो इसलिए गुस्सा हो गई है। तो अब मैं इसको नहीं बोलूंगी, इसको दीदी ही करके बोलूंगी। और अभी हो रहा है 12:20, अब निकलते सीधा अजमेर की तरफ। जब से कहा निकले हुए अब निकल रहे हैं, मतलब निकले पड़े तो खाना खाएंगे ना बीच में रुक रुक के। कल आ रहा है इस वैन में, पीछे इसके अंदर भूसा भरा रहता है। कुछ नहीं बोलने वाले थे तो अब निकलते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। तू भी आ जाते टकलू, आ जाते चल भाई। क्या चलता है, अरे यहाँ से मत खोलो, तकिया लगा के मैंने सेट करा। देख सकते हो कैसे पड़ा मैं, देखो देखो, रात को 3 बजे तोर क्या? 2 बजे लेट अभी सोएगा नहीं सोएगा भाई, खाली रूम ही दिखता रहेगा। रात के 2 बजे हैं और हम जा रहे हैं सोने के लिए, नींद लेने के लिए। गुड नाइट दोनों की, मिलते हैं सुबह। सुबह मिलते हैं और आपके भी दर्शन करेंगे दरगाह शरीफ के। दो बड़ा भी बोल दीजिए, ये गुड नाइट सब बखैर। नेहा दीदी नहीं खाते नहीं। हाँ एक नई चीज देखो उसमें, अलमारी खोलो जाके देखो नई चीज। इसके लिए नई चीज है, नेहा दीदी के लिए नई चीज है। ये देखो स्लैब से बनी हुई अलमारी दिखा रहे हैं, ये देखो मेरे पीछे देखो घूम रहे, टकली घूम रहे। सुना तो सही, इसको कंबल बोलते हैं, इसको पलंग बोलते हैं। अच्छा ठीक ठीक, अब सो जाओ, गुड नाइट। तो हेल्दी और क्या, इसने शिमला मिर्च पड़ी है, टमाटर पड़ा है, सबसे मैदा पड़ा हुआ है। शाम के 4:30 बज रहे हैं, ये खा रहे हैं, उसके बाद हम जाते हैं दर्शन करने के लिए, फिर निकलते हैं। अभी खा लेते शाम के अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं रेडी इसलिए हो रखी हूँ क्योंकि अभी हम थोड़ी देर में खाना वाना खा के चेकआउट कर लेंगे, तो मैं रास्ते में वीडियो बना लूँगी, इसलिए मेरे को ये कपड़े पहनने पड़े हैं, अनकम्फर्टेबल कपड़े। कम्फर्ट है खैर, जैकिंग ये पैंट नहीं है जो कम्फर्ट नहीं होगी मुझे। अभी ये दो जाएंगे चंदर चढ़ाएंगे दरगाह शरीफ पे जाके, और हम लोग जब तक खाना वाना ऑर्डर मार के खाएंगे क्योंकि हमारी तबीयत खराब है तो हम नहीं जा रहे हैं। खाने में क्या मंगा रही है,
कुछ नहीं पता क्योंकि बाहर का गाना भी बोर हो गया। मुझे चाहिए घर का गाना, हम सबको चाहिए खैर घर का गाना। मोटी दीदी हमारी लेकर आई है खाना, नीचे से बना के लाई है अपने हाथों से। ये देखिए अभी, ये बढ़िया, ये सॉफ्ट वाला है। बड़ा जी कटलेट बनाया है यार, ये चाउमीन की जगह केंचुए ज़्यादा लग रहे हैं। चलो मेरा तो ये रहा, मेरी थाली ये है, इतनी सारी मैं खाने वाली हूँ। रायते के चक्कर में मंगाया था, रायते के साथ दही पकड़ा दी बस इनने। चलो कोई नहीं, खा लेते हैं अभी खाना। ठीक है, अच्छा अच्छा है। और वो भी चख के देखना चाउमीन, केंचुए खाने लगे। वैसे मैं वेजिटेरियन कितनी मोटी वाली है ना, ऐसे में वेजिटेरियन बट अभी नॉन वेज बन रही हूँ। नॉन वेजिटेरियन क्या मुँह खराब कर दिया, तोबा तोबा। अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। सो वही अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ, यानी कि दिल्ली की तरफ निकल रहे हैं। तो निकलते हैं अभी, बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो रही है। सामने मंदिर है तो अभी घर निकलते। एक तो राजस्थान का पानी बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस चक्कर में पिया भी नहीं जा रहा। सुबह से मैं इतना सा पानी पिया हुआ मुश्किल से, और सुबह सुबह टाइम निकाल दिया है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं बाहर से, मुझे लोग घूरते घूरते ले जा रहे हैं। कोई नहीं, चले गए, कैमरा मत मुड़ा दिए तुम तो अभी चलते हैं, टाटा बाय बाय। सो वही अभी आधी रात के 2:30 बज रहे हैं। लॉक कर दिया क्या? बालों का तो कचुम्बड़ हो रहा है। लिपस्टिक दिख रही है क्योंकि मेरे होंठ फट रहे थे तो मैंने ये लगा लिया। इसी में आगे की तरफ ही खोल रही हूँ ना, इसलिए बाहर गिरेगा एकदम से। नहीं गिरेगा।